हाय गाइस, आ जाए हैं हम आगा खान पैलेस। अगर आप आगा खान पैलेस नहीं आए तो फिर आपको विज़िट करना चाहिए, आपने तो आप आ सकते हो। काफ़ी सुंदर है। सो हम अंदर जा रहे हैं। ये है आगा खान पैलेस, बहुत ही खूबसूरत है। आगा खान पैलेस महल की कुछ जानकारी है यहाँ पर, तो आप वीडियो पुश करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे एक आंटी थोड़ी सी जानकारी दे रही है। ये पूरा महल और 16 एकड़ स्मारक निधि हिंदू को दान दी थी। 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये जगह दे दी है और इसका पूरा मेंटेनेंस अब केंद्र सरकार कर रही है। अभी हम भारत की आज़ादी का महोत्सव अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ नया प्रोजेक्ट जो इंस्टॉल किया है 6 गैलरीज में 1939 से 1944 में क्या हुआ उसमें एक 6 गैलरी से। तो पहले गैलरी में बताया है कि पहले विश्व युद्ध के समय ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जिसका हल नहीं हुआ था और ब्रिटिश अलग अलग देशों के साथ युद्ध करता रहा, जैसे पोलैंड सोवियत अमेरिका फ्रांस जर्मनी और अन्य देशों के साथ युद्ध करता रहा और भारत की ब्रिटिश कॉलोनी में होने के कारण ब्रिटिशों को सहायता करनी पड़ी। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि हमारे भारतीय सैनिकों ने अच्छे सर से इस्तेमाल करके ब्रिटिशों को जिताया पहले विश्व युद्ध में। 13 सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो कई प्रांतों में कांग्रेस समिति की स्थापना हुई थी और उन्हें पूर्ण स्वराज्य चाहिए था। तो विल्सन चर्चिल ने कहा कि हम आपको पूर्ण स्वराज्य देंगे, लेकिन ये विश्व युद्ध के बाद। सभी नेताओं ने कहा कि देना है तो युद्ध के पहले दीजिए, ये युद्ध शुरू होते थे असहकार के कारण। सभी सत्याग्रह को जेल में डाल दिया गया ब्रिटिशों ने। पहले सत्याग्रह थे 18 विलोबाची। उसके बाद 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड बिथिंग गौर, उस समय के वाइस रॉय थे, जो भारत में आए एक ऑफर लेकर, उन्होंने कहा कि हम आपको डोमेन स्टेट कर देंगे, पूर्ण स्वराज्य देंगे, लेकिन ये विश्व युद्ध के बाद। सभी नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया। अब भारत में जापानीज सैनिकों का आक्रमण होने के डर महसूस हुआ, ब्रिटिशों को कहाँ से भी सहायता नहीं मिल रही थी, तो विल्सन चर्चिल ने सर सैफर्ड क्रिप्स को भारत में भेजा एक प्रपोजल लेकर। वे भारत में आए, मुंबई के बहुत सारे नेताओं के साथ मुलाकात की, उनके सामने ये डॉक्यूमेंट पेश किया, लेकिन सबने रिजेक्ट किया। आखिर वे 27 मार्च 1942 को दिल्ली गए और गांधी जी के साथ मुलाकात की। गांधी जी ने कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन अहिंसा के मामले से, क्योंकि हिंसा ये बुरी बात है और लड़ाई से किसी का भला नहीं होने वाला, ये संपूर्ण मानव जाति स्मशान भूमि होगी, ये मुझे माननी है, मुझे पूर्ण स्वराज्य चाहिए हैं और शांति के मार्ग से चाहिए। लेकिन साफर फिर से जबरदस्ती के प्रपोजल पेश किया, गुस्सा हो गया, उन्होंने कहा कि अगर आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट जो आपने ये पोस्ट ले लीजिए, समझ कर मैं आज करूँ और आपको विनती करता हूँ कि आप दूसरी हवाई जहाज से तुरंत चले जाना और ये फेल। अब जापानी सैनिक बहुत ही गरीब आए, तो गांधी ने कहा कि मैं पहले लोगों को हिंसा के बारे में कह रहा हूँ और अभी अहिंसा का संदेश दे रहा हूँ, और मैं लोगों को सहस्त्र दे और उनको अहिंसा का संदेश दे रहा हूँ, उचित नहीं। उस समय भारत में बहुत सारे विदेशी सैनिक थे और गांधी
देखा कि हमारे पास अपने खर्चे हैं, अच्छे सैनिक हैं, तो बाहर के देशों के सैनिकों की सहायता ले जाना ये उचित नहीं है। और उन्होंने विनती की ब्रिटिशों को कि बाहर के सैनिक भारत में आना मना कीजिए। और इस गैलरी में पहले एक लेटर लिखा है गांधी जी ने हिटलर को 1939 में। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र के कहने पर मैं एक खत आपको लिख रहा हूँ कि आप एक वे व्यक्ति हैं जो युद्ध को रोक सकते हैं और ये पूरा मानव जाति समस्या होने से बचा सकते हैं। अगर मैं कुछ बोल दिया हूँ यहाँ वहाँ तो मुझे माफ़ कीजिए, आपका मित्र एमपी गांधी। तो दूसरी गैलरी में वो बिल पास हो गया। 14 जुलाई 1942 के आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन का बिल पास हो गया। 8 अगस्त 1942 में आखिर भारतीय कांग्रेस का नेतृत्व भारत छोड़ो आंदोलन शुरू की बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान पर और सभी नेताओं को गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया। अब गांधी जी और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया तो बाहर कोई नेता नहीं थे जो इन लोगों को मार्गदर्शन। हिंसा चल रही थी, जाल पोर चल रहा था। तो वाइसरॉय ने खत लिखा गांधी जी को कि गांधी आप तो अहिंसा के पुजारी हैं और आपके लोग तो हिंसा कर रहे हैं और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। गांधी को लगा कि आप ऐसे के आपके तो के काम कर रहे हैं, ठीक है मैं सत्याग्रह करता हूँ। और गांधी जी ने 21 दिन का कुपोषण इस पहले किया। 10 फरवरी 1942 में उन्होंने तब खान अब्दुल गफूर खान की पूरी गोपाल कृष्ण गोखले ये सब आए थे गांधी जी को रिक्वेस्ट करने के कि आप ये कुपोषण छोड़ दो। उस समय कस्तूरबा प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, भगवान मुझे लेके चलो, उनको जिंदा रखो, क्योंकि उनको बहुत विधायक कार्य करना है भारत के जैसे आगे रहेंगे आगे ले जाते हैं। यहाँ पहला कांग्रेस का झंडा बापू ने फैलाया था। শান্ত থাকো, কথা বলো না, শান্ত।
अच्छा हो जाए। आरु हाथ लगा दे ना। ओ बाबा बस पा। दे दे सेकेंड गैलरी। चलो 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 ये भारत छोड़ो आंदोलन। पुराने जमाने का अखबार से। अच्छा न्यूज़पेपर है। हाँ पुराने जमाने का वो सब लेना है पूरा। ये नीचे वाला। ये भी है। कलर भी अलग आता था तब। प्रस्ताव पारित हुआ। हिस्ट्री तो फेल होता ही गुलाम है बहुत सी। लिया बहुत अच्छा लग रहा है।
खड़े हो जाओ। हाँ जी खड़े हो जाओ। महादेव देसाई की डायरी। थर्ड गैलरी चलो। आजादी के लिए आक्रोश और उत्तेजना अभी भी नया ही लगता है। सीक्रेट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग रेवोल्यूशनरी कम्युनिकेशन बिटवीन द मैसेस ऑगस्ट 1942 पार्ट ऑफ द लॉन्च ऑफ क्विक इंडिया मूवमेंट मास अरेस्ट्स ऑफ कॉमन लीडर्स टुक प्लेस प्रोटेस्टर्स वर अरेस्टेड एंड देयर फैमिली मेंबर्स वर हैरेस्ड हार्श सेंसरशिप वाज क्लैंप्ड ऑन न्यूज़पेपर्स। अब भी आंदोलन में खड़े हो गया। बापू के पास नेचुरल लग रहा एकदम। अर्णव की ध्यान दिए फोट से मानो जैसे सच में बैठे हो। ऐसा लग रहा है बैठे हैं खुद। रियल ऐसा रियल लग रहा है। ये उस समय को बनाया गया ना। ये
पकड़ना है उठा। इक्कीस दिन का उपवास, एक दिन का उपवास ही लो, ये जेल से जेल। ये चौथा नंबर से फोर्थ गैलरी। उन्होंने न सिर्फ अपने घर को देश और स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए खोला, बल्कि उन्होंने हर कदम पर अपने पति का साथ दिया। जब गांधी जी जेल में जाते थे तो वो उपवास रखती थी। अपने पसंद की चीजें का त्याग करके एक सत्याग्रही के रूप में सामने आई। 1924 में देश में स्वतंत्रता के लिए उत्तेजना का माहौल था। भारत छोड़ो आंदोलन अपने शीर्ष पर था। स्वतंत्रता की लड़ाई अपने ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुकी थी और पूरा विश्व की खबर पर था। उनकी पत्नी पहले खत्म हो गई ना, फिर मौसम या फिर पर उनका ध्यान थोड़ा था। जीवन संगनी थे, जीवन संगनी थे। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सारे गैलरी हमने देखा है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे महात्मा गांधी की यादें हैं और उनकी जो जीवन संगनी हैं कस्तूरबाई गांधी, उनका भी हमने आज थोड़ा सा देखा, उनका पूरा जीवनी देखा, उनका कैसे उन्होंने गांधी जी के साथ अपना समय बिताया, इस महान आंदोलन के बीच में उन्होंने अपना जान गंवा दिया, बहुत चीज़ सीखने को मिला। और चाहता हूँ कि आप भी समय निकाल के इधर आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, अपनी फैमिली के साथ आएँ, दो तीन घंटे के लिए आएँ, लेकिन अच्छा रहेगा। थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, और भी हैं यहाँ पर घूमने लायक, तो अभी और देखेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। आए इतने